दुर्गा अनुराग का सच्चा प्यार। हैसियत बनेगी इनके बीच की दीवार। कलर्स के सीरियल दुर्गा में कुंवर सा यानी कि अनुराग आए थे मिलने दुर्गा से, क्योंकि दुर्गा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ऐसे में अनुराग जो दुर्गा से प्यार करता है वो ना सिर्फ मिलने आया है बल्कि उसे ये भी बता रहा है कि अब उसे वापस जाना होगा, जिसे सुनकर दुर्गा होती है इमोशनल। और साथ ही उसे ये भी पता है कि उनके प्यार के बीच उनकी हैसियत आ रही है, जिसके चलते दुर्गा वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर कुंवर सा उसकी चुन्नी पकड़कर अपना प्यार जताते हैं। छोड़िए, नहीं छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कोई आएगा तो अपने आप छोड़। ओ हेलो मैडम, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ वैसे सुबह सुबह यहाँ पे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। लुक एट यू, इसे गुस्से में नाक फुलाकर खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ, अब शकुन हो गया था। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप, हमेशा चिंता में डाल देते हैं। कुंवर सा आए थे तीज के लिए, आए थे मेरा रिजल्ट सुन के आए थे, लेकिन अब उन्हें वापस जाना है। उनका उनकी एग्ज़ाम्स आई थिंक लाइंड अप है, तो उन्हें वापस जाना है। अब हमारा बाय बाय हो रहा है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जा रहे हैं, पर जाना तो पड़ेगा। तो बस हमारी आखिरी बार बातचीत हो रही है इनके जाने के बाद पहले, सो बस वही आप बताइए। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, और ये जो सेपरेशन है उसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वादे तो बहुत सारे किए थे मैंने, बट वैसा होता दिख नहीं रहा है। और आगे कहानी में इतना बड़ा एक सदमा मिलता है मुझे कि ओह गॉड, इस मोमेंट का मुझे और अच्छे से यूटिलाइज करना था, ऐसा मेरे दिमाग में आता। फिलहाल तो अनुराग को अपने एग्जाम्स के लिए शहर की ओर निकलना है। ऐसे में दुर्गा भगवान के आशीर्वाद के रूप में अनुराग को फूल थमाती है और साथ ही उसे अपना सच्चा प्यार भी दिखाती है। और जाने से पहले अनुराग भी दुर्गा को अपने हाथों से अपनी निशानी देते हैं, जिसे देखकर दुर्गा हो रही है इमोशनल। गुलाब का नहीं है वो बप्पा का आशीर्वाद, देवी माँ का आशीर्वाद वाला फूल है जो मैं इन्हें दे रही हूँ ताकि इनके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं, तो वो एक आशीर्वाद की तरह मैंने उन्हें वो फूल दिया। यस, और मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, उसे मैं अपने बुक्स के अंदर दबा के रखूंगा। खैर, दुर्गा से बिछड़ने का गम तो अनुराग को भी है, जो उसकी आंखों से बयां हो रहा है। फिलहाल तो इनके रिश्ते में जुदाई हो रही है, लेकिन जल्द ही इनका मिलन भी होगा, वो भी ट्विस्ट के साथ, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।